नमस्कार दोस्तों, के आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी भी पेट की समस्या हर समय बनी रहती है? कभी कभी ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको बार बार होते रहते हैं, इनडाइजेशन होते हैं और कभी कभी अरुचि भी होता है। इस तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो आज मैं आपको पांच ऐसे आयुर्वेदिक फूड बताऊंगी जिससे कि आप अगर रोज़ाना बेसिस पे सेवन करेंगे तो आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि रोगः सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी कि जितने भी जो डिजीज़ होते हैं वो मंदाग्नि के कारण ही शुरू होते हैं। मंदाग्नि ही उसका प्राइम कॉज होता है। बेस लेवल में देखेंगे तो उसका कारण मंदाग्नि ही निकल के आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद में कही गई है। सबसे पहले हमें जो ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारी गट हेल्थ। तो सबसे पहला फूड है जिंजर। जिंजर को हम दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ड्राई और वेट। तो आयुर्वेद में ऑलमोस्ट सभी प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिंस में जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्टोमक रिलेटेड होते हैं, उन सभी मेडिसिन में जिंजर डाला जाता है, शुंठी डाला जाता है। इसे विश्व भेषजा भी कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि इसका इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो इसे किन किन फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं? इसे क्वाथ बना के डिकॉक्शन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसे ऑयल फॉर्म में, ऑयल निकाल के इसका यूज किया जा सकता है और साथ में इसका स्वरस भी लिया जा सकता है। तो जिंजर कौन कौन से पर्टिकुलर डिजीज़ में यूज किया जाता है? ये नौसिया, वोमिटिंग, कोल्ड, फ्लू, हमारी जो कफ एंड कोल्ड सिम्टम्स होते हैं उन सभी सिम्टम को रिमूव करता है। साथ में ये मस्कुलर पेन, हेडेक और साइनोसाइटिस, इन सभी डिजीज़ में यूजफुल होता है। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी बाहर निकालता है हमारे बॉडी से और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट फूड जो होता है जिसे बटर मिल्क या छाछ कह सकते हैं हम, ये जो छाछ होता है ये आयुर्वेद में बहुत सारे जो स्टोमक रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट और सोर प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कफ और वात को समन करते हैं, जिसके कारण बहुत सारा स्टोमक डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो छाछ को लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है? छाछ को लेने का जो बेस्ट टाइम आयुर्वेद में बताया गया है वो है लंच के बाद। आप दोपहर को आप छाछ ले सकते हैं। उसमें जो जीरा या धनिया या फेनल सीड जो होता है वो सब डाल के आप ले सकते हैं, या नॉर्मल जो सैंधव लवण के साथ भी उसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फूड है गाय का घी। क्योंकि संसार में पाए जाने वाले सभी फैट में से सबसे बेस्ट फैट होता है गाय के घी में, क्योंकि ये सातवें होता है सभी के लिए और इसके न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उन बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये इम्प्रूव करता है हमारी जो स्किन का लश्चर है, हेयर का जो स्ट्रेंथ है उसे इम्प्रूव करता है, हमारी स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है और मस्कुलर स्ट्रेंथ को ये मेंटेन करता है, इनफर्टिलिटी को ये ट्रीट करता है और साथ में हमारी जो मेमोरी है वो बूस्ट करता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं कि ये वात पित्त को समन कर सकता है और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रेगुलराइज करता है। नंबर फोर में आता है मिश्री। मिश्री का जो रोल है हमारे स्टोमक के लिए ये तो हमारे पूर्वजों को भी पता थी और आज भी लोग यूज करते हैं मिश्री पेट को ठंडा रखने के लिए। बट पेट को ठंडा रखना वो एक अलग बात है। आयुर्वेद में जैसे साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होते हैं पित्त शामक प्रॉपर्टीज, वो हमारे जो एसिडिटी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ओबेसिटी है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर पीसीओडी की समस्या है तो उन लोगों को
शुगर को रिप्लेस करके मिश्री का ही प्रयोग करना चाहिए। एंड में मैं तीन ऐसे फूड बताऊंगी जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं प्लेंटी अमाउंट में, और वो हमारे गट के लिए इतना बेनिफिशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका नाम है क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। क्यूमिन मीन्स जीरा, कोरिएंडर मीन्स धनिया, और फेनल सीड जो होता है वो सौंफ होता है। तो इसे हम कोई भी इंडाइजेशन में सभी को एक एक चम्मच रॉक सॉल्ट के साथ लेके कंज्यूम करने से हमारी जो इंडाइजेशन है वो सही हो सकती है, हमारी जो ब्लॉटिंग है वो ठीक हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन है उसे आराम मिल सकता है। तो ये थे ऐसे पांच फूड जो कि आयुर्वेद में रेकमेंडेड हैं, जिन्हें हम अपने गट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।